मियां बीवी राजी की करेंगे पाजी जी। इस फिल्म के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा जी। ये फिल्म जो है मिस्टर हैरी फर्नांडिस जो हैं डायरेक्टर और राइटर वो डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें युवराज हंस हैं और शहनाज सहर हैं। बहुत अच्छी लीडिंग पेयर है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। म्यूज़िक जो है जसकीज़ का है एंड बहुत बढ़िया और बहुत ही पारिवारिक, बहुत ही कॉमेडी फिल्म है और बहुत मज़ा आने वाला है। ऑडियंस को पंजाबी में है तो इंजॉय करेंगे। और मैं जो हूँ यहाँ पर हैरी जी को सपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि इतने बढ़िया टेक्नीशियन हैं और इतने बढ़िया डायरेक्टर हैं भाई। जो फिल्में की हैं उन्होंने सारी सुपर डुपर हिट दी हैं, तो मेरा सौभाग्य कि मुझे उन्होंने मौका दिया और कहा कि मुहूर्त, क्योंकि आज मुहूर्त है, आज इस शो की फिल्म की शुरुआत हो रही है, तो हम भी थोड़ा सा अपना योगदान दे दें। तो आकर के मैंने मुहूर्त शॉट करवा दिया, जो कहते हैं मुहूर्त इनकी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो हो गया। और मेरा यही सही हो गया, इनका सपोर्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म, ऑल द बेस्ट टू द एंटायर कास्ट एंड टीम। फिल्म जैसे सर कॉमेडी है जी, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं जी, और सर जो है कर्नाटक से बिलोंग करते हैं जी, तो एक तरीके से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में जो एक लय जो शुरू होने जा रही है जी फिल्म के माध्यम से जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो कहता हूँ लैंग्वेज जस्ट एक सपोर्ट होती है। फिल्म जो है किसी भी लैंग्वेज में हो, जब तक वो इमोशन कैरी कर रही होती है वो समझ में आती है। जब हम छोटे थे तो हमें अंग्रेज़ी समझ नहीं आती थी, लेकिन हम अंग्रेज़ी फिल्में देखते थे। हम थोड़े बड़े हुए तो हम कोरियन फिल्में देखने लगे, हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन वो इमोशन क्या कैरी करती है पूरी फिल्म जो है वो देख रहे हैं। आप रशियन फिल्म देखते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, तो सब लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, लेकिन आपको समझ में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इमोशन कैरी कर रही होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सिर्फ इमोशन अगर फिल्म का जस्टिफाइड है, जो कि हैरी जी की खासियत रही है, उन्होंने इतनी सारी रीजनल फिल्में की हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो पंजाबी पहली कर रहे हैं, चाहे वो असमी हो, चाहे वो और भी लैंग्वेज की मराठी फिल्म हो, सब की है, लेकिन वो सारी की सारी जो है बम्पर हिट रही हैं, सुपर डुपर हिट रही हैं। और मुझे विश्वास है कि ये फिल्म भी जो है एक पारिवारिक एंटरटेनिंग और कमाल की फिल्म, जो अमूमन इंसान देखना चाह रहा है कि दो ढाई घंटे जब वो थिएटर में बैठे तो वो इन्जॉय करके आए, तो ये वो होने वाला है। और पंजाबी लैंग्वेज तो बहुत क्लोज जो है हिंदी की होती है, तो अगर आप हिंदी भाषी, अगर आप पंजाबी बोलते भी नहीं है तो भी आपको पंजाबी समझ में आ जाती है जी। पंजाबी में आपने काफ़ी काम किया जी, लेकिन हिंदी में आपकी चर्चा बिग बॉस से हुई जी। जी जी, बिग बॉस के इवेंट के बारे में कुछ कहें जी। बिग बॉस हर साल आता है और लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माध्यम मिलता है जहां पर वो अपनी प्रतिभा को, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को जो है निभा सकें, तो वो हर साल आता है। ये भी हो रहा है। आपकी एंट्री कैसे हुई और आपका उससे क्या बेनिफिट हुआ जी? मैंने शुरुआत तो एज अ रेडियो होस्ट ही की थी एक प्राइवेट चैनल पे, और जैसे बाकियों का सिलेक्शन होता है उसी तरह से मेरा भी सिलेक्शन था, क्योंकि वो देखते हैं कि किसकी क्या पर्सनालिटी है, क्या ये योगदान हमारे शो पर कितना दे पाएगा, तो वो दिया है और उसकी ही रोजी रोटी आज तक खा रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल दूरदर्शन पे एक शो चल रहा है जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, आप देखिएगा ज़रूर, और प्रोड्यूस बाय कैलाश खेर हैं, उसके जज भी कैलाश खेर हैं, और 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज़ के फोक सिंगर्स जो हैं पहली बार आपको एक मंच पर दिखेंगे, और अलग अलग अपने मातृभूमि की, अलग अलग अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए गाना गा रहे हैं। वो भी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, लेकिन इमोशन वो जो है ना वो आपको कनेक्ट करेगा करेगा उस गाने, उन गानों से भी। पंजाब में एक ब्रांड आप बन चुके हैं जी, बिग बॉस आपने किया जी, उसके बाद हिंदी में उसका क्या बेनिफिट मिला? उसका हिंदी में बेनिफिट ये मिला है कि मैं बहुत सारे टीवी शोज जो हैं होस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो बॉक्स ग्रिड लीग हो, चाहे वो भारत का अमृत कलश जो अभी मैं हाल फिलहाल होस्ट कर रहा हूँ, और जितने भी प्राइवेट शोज़ हुए हैं जो कि अवार्ड शोज़ होते हैं वो भी मैं होस्ट कर रहा हूँ। फिल्म की जहाँ तक बात है, मेरी एक फिल्म आ रही जिसका नाम है देवा, और इस फिल्म के अंदर में मेरी भूमिका बड़ी छोटी सी लेकिन नेगेटिव है, तो आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर में शाहिद कपूर हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत मुझे भी देखेंगे आप इस फिल्म के लिए। तो आप जैसा कि आप पंजाब में भी ब्रांड हो गए, हिंदी में भी हो गए, और अभी आपने कहा कि जो फिल्म आप कर रहे हैं वो नेगेटिव शेड वाला है जी, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि नेगेटिव शेड को लेके करना है? नहीं सर, ये तो अब जो
कुम्हार होता है ना, वो जो भी किरदार में दे दे ढाल दे, हम ढल जाते हैं। अमूमन क्यों नहीं, हर किसी को एक लीडिंग मैन बनने की इच्छा होती है कि मैं फिल्मों में लीडिंग मैन बनकर रहूं, हीरो बनकर रहूं। लेकिन मुझे नहीं लगता अब वो दौर रहा है कि जहां पर हीरो हीरो होगा, विलन विलन होगा। अब कोई किरदार कोई भी कर सकता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में बन रही हैं जहाँ हर तरह के किरदार जो हैं वो आपको हीरो ही लगते हैं। तो मैं भी उसी तरह का काम करना चाह रहा हूँ, और मिल भी रहा है, कृपा है, हो रहा है जी। चलिए सर, आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।